हर जगह लोगों ने गंदगी फैला रखी हुई है और घोड़े की मात्रा इतनी देखी अभी आप, घोड़े इतने हैं यहाँ पर कि अब बताइए जाए तो इंसान जाए कहाँ, बहुत ज़्यादा। और यार अरे भाई एक लाइन में चला लो यार इसे, हमें जिंदगी बात करो। देखिए अभी आप तो ये सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था मैं, बताइए जाए तो जाए कहाँ से। तो कह रहे हैं अभी यहाँ पे तो घोड़े वगैरह थे वो कम देखे, इंसान से ज़्यादा यहाँ पे आपको घोड़े नजर आएंगे। पहले जो पहले से घोड़े यहाँ पे कम कर दिए गए, लेकिन जब पहले से कम कर दिए अभी कितनी मात्रा है इनके यहाँ पे ये भी देखिए। तो देखिए आप इनका कोई कुछ नहीं, लाइन नहीं, सब अपने मर्जी से ही है सारा, कहीं को भी चलाते हैं ये। दूसरी एक चीज और बताऊं, तो ट्रैकिंग जो लोग करने वाले हैं उनको बहुत सारी दिक्कत होने वाली है, बहुत ज्यादा। और देखिए बहुत बहुत जगह ऐसे टॉयलेट्स वगैरह हैं जहाँ पर पानी भी नहीं आ रहा और ना ही वहाँ पे दरवाजों में कुंडियाँ वगैरह हैं, कुछ भी नहीं। देखिए लाइन देखिए, कहीं भी कुछ भी कहीं भी आ रहा है। अरे भाई यार बहुत ज़्यादा कितना हो गया भाई साहब, टाइम भाई बहुत ख़राब है, तुम लोगों ने ख़राब कर रखे भाई। भाई टाइम अभी नहीं पता यार, अभी नहीं पता भाई, वीडियो बना रहे हैं। हाँ और बाकी तो प्राइवेट टॉयलेट्स वगैरह हैं उसमें आपको दरवाजे में कुंडिया भी देखने को नहीं मिलेगी और ना ही वहाँ पर पानी आ रहा है कुछ। और देखिए तुंगनाथ में जाएंगे या बद्रीनाथ में जाएंगे तो आपको इतनी गंदगी देखने के लिए नहीं मिलेगी, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा, वहाँ पे लोगों ने रूल्स बनाए, अगर आप पानी की बोतल लेते हैं तो जब भी आप बॉटल्स वगैरह रिटर्न में लाएंगे तो आपको 10 रुपीज़ जो है वापस किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा रूल्स है नहीं। घोड़े यहाँ पर इतने कि रास्ता भी जाने का कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है इनकी, बहुत ज़्यादा क्योंकि ऐसे ही यहाँ पर बोतल फेंक के रखा हुआ है। तो अगर आप एक ऐसा धार्मिक स्थल को केदारनाथ, जो जहाँ पे लोग देश विदेश से आते हैं, अगर ऐसी जगह को साफ नहीं रखेंगे जहाँ पे खुद भोलेनाथ जी की शादी हुई थी, ब्रह्मा विष्णु आए, पांडव और भीमसेन आई, आप ऐसी जगह को अगर साफ नहीं रखेंगे तो फिर कुछ कहना बेकार है, क्योंकि गंदगी इतनी ज़्यादा है, प्लास्टिक इतनी ज़्यादा। आपने देखा होगा 2013 में जो आपदा आई थी उसका एक मेन रीज़न ये भी बताया था कि यहाँ पे लोगों ने 2013 से पहले ही बहुत सारे लोगों ने गंदगी बहुत कर रखी थी। देखिए कुछ मतलब नहीं है, कुछ भी नहीं, कहाँ पर आए हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, कहीं भी टॉयलेट, कहीं भी कुछ भी, बहुत ज़्यादा यार। तो देखा सिर्फ इसलिए रहा हूँ ये सब चीज़ें क्योंकि कल परसों से देख रहा हूँ मैं चीज़ें यहाँ पे, चलो एक आध बार कहीं ना कहीं कुछ होता है, बट हर जगह सेम कंडीशन सेम हाल है। आप ऐसी जगह को साफ नहीं रखोगे तो फिर कहना बेकार है। टूरिस्ट की बात छोड़िए, यहाँ पे लोकल्स उतना सपोर्ट नहीं करते, वो खुद कुछ भी खाते हैं, पॉलीथीन प्लास्टिक कहीं भी फेंकते हैं कुछ भी। मैं अभी एक चीज़ आपको दिखाऊँ, मैं यहाँ से आपको तुंगनाथ जब लेकर जाऊँगा, देखो आप तुंगनाथ में देखिएगा कि वहाँ पर कितनी ज़्यादा सफाई है यहाँ के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर जो रूल्स है वो बाहर के लोग, छोड़िए बाहर के लोगों को उतना नहीं पता क्योंकि वो कहीं भी खाते कहीं भी फेंक देते हैं, लेकिन यहाँ के जो लोकल्स हैं वो भी उतना फॉलो नहीं करते। अब जब भी आऊँगा मैं भाई हेलीपैड में, कि बहुत ज़्यादा गंदगी है और चलने की व्यवस्था बिल्कुल भी नहीं है, और उससे ज़्यादा जो परेशान कर रहे हैं वो यहाँ के जो घोड़े लोग हैं ना, घोड़े वगैरह वो, क्योंकि एक तो ये है पीछे से सामान लेकर आते हैं, कहीं से भी टक्कर मारते हैं लोग, इसकी वजह से देखा कितना बड़ा यहाँ पे सारा प्लास्टिक सारा गंदगी यहीं पर ही है। और वो जो रास्ता जा रहा है वो केदारनाथ का है, पहला वाला रास्ता जब 2013 में आपदा आई थी, 2013 में आपदा आई थी और वही हाल फिर से है, गंदगी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर, लोकल्स भी यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा गंदगी कर रखे, बहुत ज़्यादा।
ले भाई साइड में दबा। ओ भाई पता नहीं क्या करा जाए इनका। यहाँ पे वेट कर रहे हैं अभी तो, यहाँ पे पॉपुलेशन यहाँ पे घोड़ों की ज़्यादा है, इंसानों की कम है। ओ भाई क्या करा जाए, बहुत से लोग हैं जो बोल रहे हैं बहुत सारी दिक्कत है यहाँ पे। दिक्कत तो खैर है, अब आगे जाके कैसे सही होगा पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है भाई।